हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एक्टिविटी में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं सभी, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। तो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, आज की क्लास में हम सुपर टेट का, देखिए मैं हिंदी का सॉल्यूशन करा रही थी और नित्या पर सीडीपी का। तो अब सॉल्यूशन कराने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट लगता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि कोई भी डाउट नहीं रहता है। तो देखिए, आप आज से जो मैं यहाँ पर करा रही हूँ आपको सी टेट का ही, उसका सुपर टेट का करा रही हूँ। तो देखिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं हिंदी के, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार इस लिंक को आप अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए और बताइए। हेलो प्रतीक्षा, हेलो संजय, कैसे हैं आप। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा। एक सेकंड, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, पहले आप प्रश्न देख लीजिएगा और फिर काल्पनिक का विलोम, जो भी क्लास में आ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, काल्पनिक का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अवास्तविक, कल्पनीय, प्रत्यक्ष या फिर अरे। चलिए देखिए, बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि काल्पनिक का विलोम, तो बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं काल्पनिक का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, आंसर दीजिएगा। एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है ना। वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने है भाई क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और काल्पनिक का विलोम पूछा है, तो डी आंसर मुझे मिला है, नर्सिंगिंग। तो बिल्कुल देखिए, काल्पनिक की बात करें, वास्तविक का अवास्तविक होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, काल्पनिक का कल्पनीय, यानी कि इसमें ये प्रत्यय लगा है, हालांकि इससे इसका कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष का भी नहीं होगा। तो डी आंसर बिल्कुल, बहुत बढ़िया संजय जी, एकदम सही आंसर आपने बताया है और इस प्रश्न का सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको देखनी है, तो वापिस, अहिल्या, निरअपराध या फिर स्रष्टा, तो बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, क्या देंगे आप सही आंसर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा और सही आंसर मुझे दीजिए। आंसर क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने सेकंड, तो जल्दी से कमेंट में मिलना चाहिए आप सभी का सही आंसर। तो आंसर प्लीज, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो जल्दी से बताइएगा, शुद्ध वर्तनी। तो देखिए, बी आंसर मुझे मिला है, अहिल्या। बाकी और सभी शिल्पी जैन ने कहा है कि सी ऑप्शन बी कहा गया है मुझे संजय जी ने, भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, ठीक है, तो यहां पर बी आंसर मिला है। वॉइस नहीं आ रही है, भेज देखना। पूनम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, काजल मुझे बताइएगा, नहीं आवाज सही है, आवाज सही है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम बात करें शुद्ध वर्तनी की, बात कर रहे हैं, बी आंसर मुझे मिल गया है। चलिए, गुड आफ्टरनून पूनम जी और वेरी गुड आफ्टरनून ऑल जो भी क्लास में हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो वापिस का होता है वापस, ठीक है, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, यानी कि आप देखिए आपका बी ऑप्शन जैसा कि आपने मुझे बताया है ना, वो गलत है। क्या होता है देखिएगा, ये है शुद्ध और ये क्या है अशुद्ध, और सृष्टा नहीं होता, स्र इस तरीके की होती है, ठीक है, सृष्टि, और यहां पर आपका सही ऑप्शन सी है, निरअपराध। सी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा वापस। तो राइट आंसर कौन सा हुआ शुद्ध वर्तनी के, उससे सी आंसर, जिन्होंने भी बी लगाया है वो गलत है। ओके आगे चले, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, अहिल्या क्या है, अहिल्या अशुद्ध वर्तनी है, ठीक
ठीक है। शुद्ध वर्धनी की बात करें तो अहल्या होता है। ओके आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र है। सेकंड, ईश्वर चंद की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है। सी, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। या फिर गंगा सागर का बड़ा महात्मा है। तो देखिए आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आंसर दीजिएगा मुझे, सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब में चाहिए आपका आंसर, आंसर दीजिएगा राइट आंसर। देखिए सोच समझ कर दीजिएगा जवाब। अंजलि आंसर नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं। हेलो आकाश भाई जल्दी से दीजिएगा। देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको देखना है, ठीक है? तो आपको बताना है पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र, ईश्वर चंद्र की आयुष्मती कन्या का विवाह, आज साहित्य और समाज में घोर संबंध है, गंगा सागर का बड़ा महात्मा है। तो आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए अब ए अच्छा ओके ओके अब आ रही है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन मुझे मिला है शिल्पी की तरफ से, और सी सी आंसर मुझे मिला है। अब देख लेते हैं। चलिए देखिए पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र दिया है ना, क्या दिया है यहाँ पर शस्त्र, तो इसमें क्या होना चाहिए शस्त्र की जगह? पिस्तौल शस्त्र नहीं अस्त्र कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यानी कि गलत होना चाहिए। सेकंड की बात करें कि ईश्वर चंद्र की आयुष्मती कन्या का विवाह है, चलिए देख लेते हैं इसको शुद्ध है या नहीं। साहित्य की बात करें तो साहित्य और समाज में घोर संबंध है, क्या है? घोर संबंध है, घोर नहीं होता है, क्या होता है? घनिष्ठ संबंध। समझ में आया? तो इसमें क्या है अशुद्ध हो जाएगा। गंगा सागर का बड़ा महात्मा है, महात्मा नहीं होता, महात्म्य होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, सही जवाब होना चाहिए। क्लियर हुआ? बता दीजिएगा एक बार पूनम जी, बहुत बढ़िया, ठीक है? घोर नहीं घनिष्ठ होता है, बिल्कुल पूनम जी। तो यहाँ पर चारों में से हमारा बी ऑप्शन क्या है निकल कर आता है, सही जवाब है। ओके आगे देखिए नेक्स्ट, पंख का तत्सम शब्द क्या है? तो ये हमने उससे कल, यानी कि जब मैंने आपको उसकी सुपर टेट की प्रिपरेशन करा रही थी तब मैंने बताया भी था। तो पंख का तत्सम शब्द क्या होगा? पक्ष, पक्ष या पक्ष, देखिए पक्षिन या पक, तो देखिए और बताएं तत्सम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे चार आपके सामने ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा सही जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, पंख का तत्सम यानी कि तद्भव शब्द है पंख। अब इसका तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट में दीजिएगा जवाब, आंसर प्लीज। हेलो प्रिया, शिल्पी, पूनम, प्रिया, अंजलि, संजय, काजल, सभी आंसर दे। तो यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिला है पक्ष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है या नहीं बताइएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन मिला है तो बहुत बढ़िया, पंख का तत्सम पक्ष होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट, मृगंक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंदन, हिरण, शेर या चंद्रमा? तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा आंसर प्लीज। मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, तो चंदन, हिरण, शेर या फिर चंद्रमा? तो इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं, प्रश्न आपके सामने फिफ्थ है तो जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। तो देखिए यहाँ पर आंसर मिलने लगे, बी ऑप्शन मुझे मिला है। चलिए आगे और सभी दीजिएगा, ऋतु ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए, मृग। चलिए आंसर प्लीज, आंसर दीजिएगा प्लीज। तो देखिए यहाँ पर आपके आंसर आने लगे हैं, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अब क्या कहा जाए कि आपका आंसर सही है या गलत बताइएगा। तो जिन्होंने भी मुझे दिया है इस प्रश्न का जो जवाब दिया है बी ऑप्शन, वो एकदम कैसा है, सही है गलत? तो यहाँ बी ऑप्शन सभी ने दिए हैं, जिसके लिए मैं कहूंगी कि मृगांक किसका पर्यायवाची है भाई, किसका पर्यायवाची है ये,
हिरण का, सॉरी चंदन का नहीं होगा, शेर का नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मृग, मृग जो हिरण को कहा जाता है, लेकिन बात की जाए किसकी, मृगांक की, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका, चंद्रमा का। आप जानते हैं किसे, देखिए शशि भी कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है, शशि के अलावा क्या कहा जाता है, इसे सुधांशु भी कहा जाता है। तो ये मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि हिरण का। समझ में आया, मृग होता है मृग, मृग कह सकते हैं आप हिरण का, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे मृगांक की, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि हिरण का। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं है, सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा जो भी क्लास में है। चलिए, बी बी ऑप्शन यहाँ पर सभी ने मुझे दिया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा क्लियर है या नहीं। सत्यम और सभी, चलिए आगे चले तो देखिएगा। पराभूत का उपसर्ग क्या होगा, पराभूत शब्द है आपके सामने, इसमें उपसर्ग पूछा है, तो पर, परा, प या फिर पर, तो जल्दी से कमेंट में दीजिएगा जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर, आंसर दीजिएगा भाई। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, भटकिएगा बिल्कुल भी मत। ठीक है, तो पराभूत का उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है, तो चार आपके सामने आंसर है, तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए, यदि हम बात करते हैं क्या यहाँ पे बी आंसर मुझे, हाँ डी ऑप्शन होगा सत्यम, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। चलिए देखिए, यहाँ पर यदि आपके सामने कोई शब्द होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की बात करें, या हम प्रति, प्रत्येक की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, प्रति आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा है, आप जानते हैं किसी भी शब्द का आगे वाला भाग, तो पराभूत, यदि हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो क्या होता है, पराजमा भूत इस तरीके का बटेगा, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, परा, यानी कि पर क्यों होगा, यहाँ पर बी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। संजय जी, डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हरंत का प्रयोग नहीं होगा, इसके आधार पर परा की बात, वो पराभूत की बात करें तो परा आंसर इसका उपसर्ग में होगा, और यही इसका सही जवाब है। आगे देखिए, आप सभी दिए गए विकल्पों में से अर्ध विवृत शब्द स्वर कौन से हैं, तो सभी ने पढ़े हैं जब वर्णमाला आपको कराई गई थी, तो देखिए आकाश, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी को आंसर देना है। दिए गए विकल्पों में से अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, आ ई उ, अ ए औ या ओ उ औ आ औ आओ, तो बताइएगा। चार आपके सामने ऑप्शन है और यहाँ पे अर्ध विवृत वाले स्वर आपको देखने हैं, तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, जल्दी से दीजिए आंसर। व्रत क्या होता है, व्रत जिसमें कि गोला होता है, अर्ध विवृत में क्या होता है, जिसमें आधा गोला होता है ना, जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो हमारा मुख जो आधा गोलाकार होता है। ओके, तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, तो जल्दी से बताइएगा भाई। जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारा मुख है ना वो आधा खुले है ना, तो उसे अर्ध विवृत स्वर का मतलब अर्ध विवृत में लाया जाता है। यहाँ पे स्वर पूछा है तो स्वर के बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से बस कमेंट कीजिए और बताइएगा सही आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, ए डी भी मुझे मिला है, क्या बात है, और सी बी आंसर भी मुझे मिला है, तो सभी ने अलग अलग जवाब दिए हैं। ऋतु बी आंसर, देखिए आ ई में क्या होता है कि ई स्माइल वाला हमारा फेस हो जाता है ई, तो ई में तो हमारा अर्ध विवृत यानी कि आधा हो ही नहीं रहा है, तो जिन्होंने भी मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो गलत है। ई बोलेंगे ना ई, तो ई में क्या है, हमारी स्माइल वाला फेस हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओ उ, उ क्या होता है, वर्त वाला होता है, यानी कि पूरा गोलाकार बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। आ औ उ, तो आपका ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वर्त का प्रयोग हो रहा है, ये पूर्ण किसमें आता है, पूर्ण विवृत में आता है। अब आपका बी ऑप्शन अंगा ए ओ आ, तो यहां पर आपका आधा मुंह इसमें खुलता है, और बी आंसर आपका सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार तो ये बताइए मुझे, क्लियर हुआ।
ए सी और डी वालों बताइएगा। अर्धविवृत समझ में आ गया। जिन वर्णों को बोलते समय आपका जो मुख है वो आधा खुले उन्हें अर्ध कहा जाता है। अब स्वर की बात कर रहे हैं तो अर्धविवृत स्वर, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। टी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऊ दिया है ना, ऊ ऊ ऊ क्या हो जाएगा, पूर्ण विवृत होगा इसीलिए। ओके चलिए आगे देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मातृक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिएगा, मातृ जमा इच्छा, देखिए मातृ जमा इच्छा, मातृ जमा इच्छा, मातृ जमा इच्छा या मातृ जमा चिच्छा। तो जल्दी से बताइएगा मातृक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में मिलना चाहिए आपका जवाब, आंसर दीजिएगा। और हाँ, साथ की साथ आपको यह भी बताना है किसमें संधि कौन सी होगी, संधि भी बताइएगा, तभी तो अच्छे से समझ में आता है ना। कुछ भी समझे तब हमें पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके आंसर मुझे मिलने लगे हैं, बी 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 ऑप्शन, ए आंसर भी मुझे मिला है आकांक्षा की तरफ से। चलिए मातृ जमा इच्छा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ना बी ऑप्शन वालों, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। बी की वोट ज्यादा है तो आप श्योर होके ही इतनी वोट देते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल मातृ जमा इच्छा ही इसका संधि विच्छेद होगा। अब आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप भाई, संधि कौन सी है बताएंगे या नहीं? कि मैम बस आगे चलो, क्या बार बार पूछ लेते हो, वे बताइएगा। चलिए, यण संधि बताया गया है मुझे, मातृक्षा में यण संधि, सही बता रही है ऋतु या गलत बता रही है, बताइएगा। संजय जी, मैं प्रिया ने जो कहा सही कहा या गलत है? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, दीर्घ, यण, वृद्धि और गुण। चार ऑप्शन आपके सामने है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो देखिए और बताइए। आंसर देखिए, अभी जब तक आप सभी के सभी जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बात की जा रही है वो क्रिया से पूछी गई है। तो राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई, रवि यहाँ कल आया था, तुम वहां रुककर आगे बढ़ना, या फिर चलो समय आ चुका है। तो जल्दी से देखिए और बताइए कि यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप इसका जवाब दीजिए और फिर हम बताते हैं आपको सही आंसर, ठीक है? जल्दी जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सभी के आंसर आने लगे हैं, ए ऑप्शन मुझे मिला है, सी आंसर भी मिला है, बाकी सभी के सभी प्लीज आंसर दें। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो सी आंसर, क्या बात है। प्रेरणार्थक जानते हो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक, चलिए हम बताते हैं कि आपने मुझे कहा कि तुम वहां रुककर आगे बढ़ना, क्या कहा है आपने कि तुम वहां रुककर आगे बढ़ना। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें किसी ना किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाई क्रिया पूछा है तो कहीं ना कहीं कार्य भी होगा, और प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरित किया जाता है। जैसे कि हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, तो वहां पर क्या है, उसे प्रेरित किया गया कि वो हमारे कपड़े धो, उसके बदले में हम उसे क्या देते हैं, धन देते हैं। हम झाड़ मम्मी हमसे झाड़ू लगवाती हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन काम करा रहा है, चारों ऑप्शन में कहाँ पे काम किया जा रहा है। राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई, यानी कि राजू ने मुझे प्रेरित किया किसके लिए, साइकिल को धोने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि धुलवाना जो होता है वो प्रेरणार्थक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जिन्होंने भी दिया है फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है संजय जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट आंसर ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है? हाँ फिर ए होगा बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जिस क्रिया में कोई कार्य अपने से ना करके बल्कि दूसरे, देखिए हाँ
देखिए ऐसा भी कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें अब बात ये भाई यहाँ पर क्या, राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई, तो यहाँ पर दो एक व्यक्ति क्या करता है, प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो दूसरे को प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। जैसे हम बच्चों से पढ़वाते हैं, तो यहाँ पर अध्यापक क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह के आपके प्रश्न आ जाए तो वो किस में आएंगे, आपके प्रेरणार्थक क्रिया में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, तो देखिएगा इसका सही जवाब है आपका फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, विष को धारण करने वाला विग्रह का समस्त पद आपको बताना है। विष को धारण करने वाला, विषग्राही, विषधर, विषधारी या महेश्वर, तो क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, जल्दी से दीजिएगा सही आंसर। भाई विष को धारण करने वाला, यदि हम विग्रह का समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा, एक पद बनाएंगे तो क्या होना चाहिए इसका, विषग्राही, विषधर, विषधारी या महेश्वर, तो जल्दी से बस कमेंट में मिलना चाहिए आंसर, क्या होगा सही जवाब, आंसर दीजिएगा सभी। चलिए देखिए, पहला वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर मुझे मिला है विषधारी, बाकी और सभी दीजिएगा आंसर। चलिए बी ऑप्शन भी मुझे मिला है, तो शाबाश प्रियंका, प्रियांशी जी, बहुत बढ़िया आंसर। विषग्राही नहीं कहा जाता, विषधारी नहीं कहा जाता, महेश्वर नहीं कहा जाता, इसके लिए एक समस्त पद होता है विषधर, जो विष को धारण करने वाला होता है उसे विषधर कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, ओके। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, गलीचा और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं, गलीचा और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं, तुर्की, पश्तो या फिर अंग्रेजी या फिर फारसी, तो जल्दी से देखिए बहादुर किस भाषा का शब्द होगा ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर दें और बताएं कि इस प्रश्न का क्या होना चाहिए जवाब, और कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए यहां पर, देखिए तुर्की भाषा के शब्द या फिर कह सकते हैं पुश्ती भी कह सकते हैं इसको, या फिर पुश्तो भी कहा जा सकता है, अंग्रेजी या फारसी, तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। आपको पता है कि ये जो शब्द है अंग्रेजी के तो आप जानते हैं, लेकिन बात करें पुश्ती, तुर्की या फारसी, ये भाई दो जैसे अरबी फारसी के मेल से बनकर, या फिर आपको मैं अभी बताऊंगी, पहले आपका आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नेपाली वर्ड के बहादुर, अच्छा नेपाली वर्ड है, बाकी और सभी दीजिएगा जवाब, डी ऑप्शन मुझे मिला है फारसी। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका डी आंसर क्या होता है भाई, गलत जवाब होता है, फारसी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द तो होगा ही नहीं, और बी आंसर भी गलत है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बहादुर शब्द जो आता है वो आपके तुर्की शब्दों में आता है, ठीक है। जो तुर्की शब्द है ना, ये अक्सर अरबी और फारसी से भिन्न माने जाते हैं, ठीक है, और हिंदी के देशज शब्दों से निकलकर, मतलब देशज शब्द जो होते हैं ना उन्हीं की तरह थोड़े थोड़े से मिलते जुलते लगते हैं, जैसे कि नौकर है, नौकर किस में आता है, तुर्की शब्द में आता है, ठीक है। बहादुर है किस में आता है, तुर्की में आता है। चादर है, चादर, चादर भी किस में आती है, तुर्की शब्दों में आती है, तो ये तुर्की शब्द की पहचान है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए तो देखिएगा डी ऑप्शन वालों आगे चलते हैं। अपना, अपना सर्वनाम शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो देखिए और बताइए, अपनाना, अपने, अपन तत्व या फिर पराया, तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बस जल्दी से दीजिएगा जवाब, देखिए क्या आंसर होगा, अपना, अपना से देखिए अपना ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, पराया तो होगा ही नहीं, और अपना से अपने से भी कोई भाव नहीं निकलता है, तो क्या निकलेगा, सी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। आकांक्षा और प्रतीक्षा सभी ने अच्छे से दिया है जवाब, पूनम, ऋतु, एकदम सही जवाब सी आंसर। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 13।
गया तो क्या करेंगे, कोई आ गया तो क्या करेंगे वाक्य में रेखांकित अंश सर्वनाम के किस भेद का प्रतिपादन करता है। तो देखिएगा, कोई आ गया, कोई कोई शब्द है ना, कोई आ गया तो क्या करेंगे, तो वाक्य में जो रेखांकित अंश है ना वो सर्वनाम के किस भेद का प्रतिपादन करेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जल्दी से बताइएगा, कोई शब्द पर मैंने क्या है रेखांकित कर दिया है, तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। 13 का डी आंसर मिला है मुझे, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई है ना, कुछ इस तरह के जब शब्द आते हैं ना तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने अच्छे से जवाब दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट, महत्व विशेषण की उत्तर अवस्था क्या होगी। बहुत बढ़िया, देखिए उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था ये और आपकी मूल अवस्था तीन होती है ना, तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर अवस्था कौन सी होगी। तो महत्ता, महत्तम, महत्तर या फिर महत्व, तो जल्दी से मिलना चाहिए इस प्रश्न का भी जवाब। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होना चाहिए भाई, आंसर मूल, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो जल्दी से मुझे बताइएगा यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा सभी। देखिए तो देखिए, मैं ये तो आपका फर्स्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि इसका उत्तर अवस्था कौन सी होगी, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए क्या मिलता है मुझे, बी आंसर मुझे मिला है, बी आंसर मुझे मिला है। ठीक है, बहादुर जो होगा ना तुर्की का शब्द होता है सत्यम। आप दोबारा से कोशिश करें, दोबारा जांच करें। ठीक है, देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं मूल शब्द जो मैंने आपको बताया। तो देखिए महत यानी कि फर्स्ट, अब उत्तर की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, महत्तम नहीं होगा, यानी कि ये उत्तर अवस्था में होता है। उत्तम की बात करें तो जो आप बी आंसर मुझे बता रहे हैं ना, ये उत्तम में आता है, यानी कि सबसे सर्वोत्तम, समझ में आया, तो ये आपका उत्तम में आता है ना कि उत्तर में। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा सी ऑप्शन। भाई आपने विशेषण की अवस्थाओं को पढ़ा होगा, तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, तो एक होता है सबसे मूल में, एक होता है दो के बीच में कंपैरिजन करने वाला, और एक होता है सबसे सर्वोत्तम। तो यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, उत्तर अवस्था के बारे में पूछा गया है, ना कि सबसे सर्वोत्तम के बारे में पूछा गया है। तो आपका बी ऑप्शन ना हो के सी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा बिल्कुल सत्यम। चलिए आगे देखिए, बता दीजिएगा क्लियर है। अच्छा, और मैं भी आपको प्रूफ दे दूंगी कि मैं जो आपका बहादुर शब्द है ना वो तुर्की शब्द में ही आता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर चलिएगा और बताइएगा, ये क्लियर हो गया, तीन अवस्थाएं हमने देख ली यहाँ पर, तो आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होगा, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, सभी को पता है भाई दोहे का उल्टा कौन सा होता है, बिना ऑप्शन के भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, वर्बे, रोला, सोटा या फिर छप्पे। तो बताइएगा जल्दी से क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, कौन देंगे जल्दी से आंसर, कौन देंगे सही आंसर। तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए और बताइएगा इस प्रश्न का क्या होना चाहिए सही जवाब, आंसर प्लीज आंसर दीजिएगा। चलिए सत्यम, देखिए आपके पास एक मैसेज आया होगा, आगे देखिएगा। चलिए आपका आंसर मिल गया है मुझे, सोटा सोटा सोटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए तो यहां पर देखिए आपके आंसर मुझे मिले हैं कि शिल्पगत आधार पे दोहे का उल्टा जो होता है वो सोल्टा होता है। ठीक है, एकदम सही आंसर सी ऑप्शन होगा कंचा, ना कि रोला होता है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, दोहे का उल्टा सोल्टा होता है। ठीक है, आगे देखिए,
संदेश रनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार? तो बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब? आंसर दीजिएगा सभी। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। आंसर प्लीज, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है और जल्दी से दीजिएगा जवाब। संदेश रनी मधुबन कूप भरे, यानी कि संदेशों से उपबन क्या है? भरा हुआ है जो हमारा मधुबन है, और कूप यानी कि कुआ, भरा हुआ है, बहुत सारे संदेशों से भरा हुआ है, तो कौन सा अलंकार होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी से बताने चाहिए आप सभी को राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डी आंसर मुझे मिला है वक्रोक्ति अलंकार, सी आंसर भी मुझे मिला है प्रतीप अलंकार, डी आंसर भी मुझे मिला है कि भाई डी आंसर भी मिल गया है। चलो दो आंसर मुझे मिल रहे हैं, बी भी मिल गया है, क्या बात है। अब ये और बचा है संधि अलंकार भी लगा दो, संधि अलंकार बच गया है। संदेश रनी मधुबन कूप भरे, यानी कि जो हमारा मधुबन है वो संदेशों कूप यानी कि किससे भरा हुआ है? वो कुएं से भर आया, संदेशों से हमारा कुआं भर आया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम कहते हैं ना, ये जो वर्णन है वो है आपका तब का, जब क्या है भाई, श्री कृष्ण का उद्धव क्या लेकर आते हैं? समाचार लेकर आते हैं। तो वहां पर जो वहां की सखियां होती हैं वो कहती हैं कि हमारे इतने सारे संदेश, हमारी इतनी सारी बातें हैं कि उससे जो हमारा मधुबन का कुआं है ना वो भर चुका है। और तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा ये पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो बड़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं। तो बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात की जाती है, वहां पर आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका गाइस जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है? समझ में आया? चलिए, और बाकी डिटेल में जो बात करेंगे ना हम, तब करेंगे जब हम अलंकार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अलंकार बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, चिंता बिल्कुल भी ना करें। आगे देखें, अब देखिए सिर्फ आपको इसमें से आपको दो या तीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन इस गद्यांश को आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गद्यांश भी आपको मिलने वाला है सुपर टेट में, जिससे आपको दो या तीन प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट है ये बचपन से। बचपन में मैंने सुना था कि कुछ इलाकों में जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर तलाशने जाता है तो लड़के के पिता से सर्वप्रथम यही सवाल पूछता है कि आपके कितने कटोरे चलते हैं, क्या कि आपके कितने कटोरे चलते हैं? ऐसा प्रश्न सुनकर कुछ अटपटा तो लगेगा ही भाई, लोगों की बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर चलते सुनता हूँ, कुछ लोगों के नाम और सिक्के खूब चलते हैं, पर यह कटोरा चलने वाली बात कहाँ से आई? लेकिन इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, लड़के का पिता बड़ा ही सपाट और स्पष्ट जवाब देता है कि उसके इतने कटोरे चलते हैं, मतलब यह कि उसके परिवार के कितने लोग कटोरा लेकर परदेश कमाने गए हुए होते हैं, ठीक है? कटोरों की संख्या जितनी अधिक होती है उनकी आमदनी भी उतनी ही अधिक होती है। मेरे विचार में आज कटोरा याचकता का प्रतीक ही बन गया है। देश का हर वर्ग याचक है और हर हाथ में कटोरा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा कटोरा। यह कटोरा हर दफ्तर में, हर मंदिर में, हर काउंटर पर, हर करीने से सजाकर रखा हुआ है। मंदिर में प्रवेश कीजिए, यथास्थान रखें, कटोरे में कुछ डालिए और आगे बढ़िए। यदि आप उस कटोरे की अनदेखी करते हैं तो फिर पंडे पुजारियों की वक्र दृष्टि से बचना मुश्किल हो जाता है। क्या मजाल कि आप किसी दफ्तर में रखे कटोरे में बगैर कुछ डाले साफ निकल जाए? कुछ क्या है? कुछ बन मतलब कुछ बनना हो तो हमें इस कटोरे से मुक्ति पानी होगी। समझ में आ गया? कितना अच्छा संदेश दिया है आप इस गद्यांश के माध्यम से। तो देखें यहाँ पर, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, कटोरा शब्द किसका प्रतीक है? अमेरिका, याचना के पात्र का, दान पात्र का, या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए क्या होगा आंसर, जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो
यहाँ पर मुझे आंसर मिला है फर्स्ट ऑप्शन और बी आंसर, ठीक है। तो देखिए दो आंसर मुझे मिले हैं, जिसमें सही आंसर की बात करें ना। भाई क्या पूछ रही है प्रतीक्षा, कुछ पूछा है क्या आपने? देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो यहाँ कटोरा शब्द किसका प्रतीक है? तो अमीरी का नहीं होगा, दान पात्र का नहीं होगा, ये याचना का प्रतीक माना गया है। आप यहाँ भी जाएं वहां पर आपको कटोरा मिलेगा, और उस कटोरे में देखिए देश का हर वर्ग याचक, यानी कि याचना करना है। देखिए यहाँ से आठ कटोरा याचकता का प्रतीक बनता गया है, तो यहाँ पर याचना के पात्र का कटोरा। कहीं पे भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में, आप पढ़ाई के इसमें देखिए, यदि आपकी नौकरी की बात आ जाए तो पहले रिश्वत मांगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर आपका बी आंसर क्या होता है, सही जवाब बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रिया, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर इसका सही जवाब है। आगे देखिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, विचूक प्रवृत्ति, कटोरा, याचकता की मार, रिश्वत की परंपरा। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए, यदि आपने पढ़ा है सुना है तो आप बता सकते हैं किसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो चार आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से देखें और बताएं। हाँ अमरनाथ, बिल्कुल, गुड इवनिंग। तो देखिए डी ऑप्शन मिला है मुझे, रिश्वत की परंपरा। बाकी सभी आंसर दीजिएगा डी, डी आंसर, डी आंसर मुझे मिलने लगा है। सभी कहते हैं कि यहाँ पर हर जगह रिश्वत की परंपरा हो गई है। चलिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हर जगह कटोरा लेकर लोग खड़े हैं, मंदिर हो जाए कहीं भी, तो यहाँ डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए असिधारो, असिधारो पर चलने का, सॉरी सॉरी, ये गद्यांश खत्म हो गया, सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे गद्यांश से। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन लिए गए काव्यांश से, ठीक है। तो छोटा सा है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो उसको भी बेचारे को पढ़ लो, ठीक है। दो चार लाइन का है, मैं चला तुम्हें भी चलना है असिधारों पर, सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ तो, सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ तो, इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी क्षमता को आज जरा अजमाओ तो, दे रहा चुनौती समय अभी नवयुवकों को, मैं किसी तरह मंजिल तक पहले पहुंचूंगा, इस महाशांति के लिए हवन वेदी पर मैं हंसते हंसते प्राणों की बलि दे जाऊंगा। तो ये छोटा सा है, तो आपको बताना असिधारों पर चलने का क्या आशय है, ठीक है। जीवन की राह पर चलने से, रण में उतरने से, समुद्र में उतरने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा सभी। अशिधारों पर चलने का क्या आशय होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का मुझे मिल गया है फर्स्ट ऑप्शन, कि जीवन की राह पर चलने पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं चला तुम्हें भी चलना है अशिधारों पर, यानी कि जीवन की राह पर आगे चलने के लिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रस्तुत पद्यांश में से मैं समय किसको चुनौती दे रहा है, कवि को, जीवन को, नवयुवकों को, या राष्ट्रों को? तो देखिए और बताइए, बहुत इजी है, आसानी से देख सकते हैं। चौथी लाइन में देखिएगा, चुनौती समय अभी नवयुवकों को, मैं किसी तरह मंजिल तक पहले पहुंचूंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर कवि नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा, सही आंसर नवयुवक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे से आप सभी ने दिए हैं जवाब, तो यहाँ पर सी आंसर एकदम सही है। चलिए तो देखिए अभी स्टार्टिंग है, और जैसा कि मैं आपसे बता रही थी, वो सुबह भी बताया मैंने आपको कि मैंने उसका सुपर टेट का बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी मैं फिलहाल आपको हिंदी और सीडीपी ही कराऊंगी। पहले धीरे धीरे करके हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर कल से आपको क्या है, एमसीक्यूज नहीं मिलने वाला है, चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो आप कोशिश करें, वही कराया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कल से आप सही टाइम पर, यानी कि 11 और 3 बजे आपको मेरी क्लास लेनी है और आना भी है। स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, कोई भी आपकी समस्या हो तो समस्या को आप रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन ही होंगे। नहीं अमरनाथ, अभी मेरी क्लास 4 बजे से नहीं है, अभी जो मेरी क्लास है वो है मेरी 3 बजे से। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास जो 4 बजे से होगी,
यदि आप लोग एग्री हैं 3 बजे के लिए, तो आगे से भी 3 बजे ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैम जो पहले टाइम था 4 बजे का, तो वो मेरा चेंज होगा 15 तारीख के बाद से, ठीक है? तो 15 तारीख के बाद से यदि आप चाहते हैं कि 4 बजे क्लास होनी चाहिए, 3 बजे नहीं, तो मैं 4 बजे से रखूंगी, अन्यथा 3 बजे से ही रहेगी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का जो मेरा जो आपको सेट मिला है सुपर टेट का हिंदी का, वो 20 क्वेश्चंस ही मिलेंगे इसमें, और आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास बताइएगा जरूर। हेलो अंजलि, बहुत जल्दी आई हैं आप, ठीक है? थैंक यू आकांक्षा, और सभी क्लास में आए, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथ के साथ भाई सी टेट की आपकी आंसर की आ गई है, तो एक बार हमें भी बता दें, इतना तो हमारा हक है कि हम पूछ सकें आपसे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितना टोटल आपका हुआ है, तो आप पूरा ना बता के मेरे हिंदी और सीडीपी का ही बता दें, ठीक है? तो आप यदि यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं, हालांकि मुझे पता है सभी का अच्छा स्कोर रहा होगा, क्योंकि सीटेट के जो भी पेपर हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, टफ नहीं रहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? ओके, हाँ चलिए, तो यहाँ पे संजय जी मिलते हैं कल 11 बजे नित्या क्लासेस पर, और 3 बजे लेट्स रैक टीटी पर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना, ठीक है? अच्छा लगा हो तो चलिए। ओके गाइस, बाय। क्यों नहीं दिया एग्जाम? है ये कैसे? इसका ये माउस से रुक गया, क्या हुआ भैया? वहां से बंद करना, इसे बंद करना वहां से। बंद देखो अब यहां से स्टॉप भी तो नहीं हो रही है। स्टार्ट ऑफ करिए फिर ओबीएस तो बंद कर दो। ओबीएस ये चल नहीं रहा है ना, देखना देखो पीछे की बंद कर दे, एक ये नहीं चल रहा है, ये ऑल टैब तो दबाओ। देखना यहां से इसे करंट कर दो। अच्छा उल्टा दबा को भी बंद कर दे।